मनीष, हालांकि ज्यादा डिस्टेंस नहीं है अगर हम यहाँ पर बात करें तिहाड़ जेल से डीडीओ का, लेकिन फिर भी वहां से शव निकल चुके हैं चारों के, तो कितना वक्त यहाँ पर लगेगा और आगे किस तरह से प्रोसेस रहेगा? बिल्कुल, लगभग 3 से 4 किलोमीटर की दूरी है और अभी अस्पताल के बाहर नज़ारा ये है कि फोर्स यहाँ बढ़ा दी गई है, सीआरपीएफ यहाँ मौजूद है, पुलिस की कई टीमें अंदर मौजूद हैं, गेट पर अस्पताल के लगभग सभी गार्ड मौजूद हैं, वो इसलिए क्योंकि फिलहाल यहाँ से अंदर अस्पताल में वही लोग जा रहे हैं जो सीरियस पेशेंट हैं, जो रूटीन के ओपीडी वाले पेशेंट हैं उनको फिलहाल एंट्री नहीं दी जा रही है। कहा यह जा रहा है कि 7:30 से 8 बजे के बीच में डेड बॉडीज़ यहां पहुंचेंगी, पंचनामा उनका तैयार हो चुका है जेल के अंदर और 8:30 बजे से उनका पोस्टमार्टम शुरू हो सकता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक डॉक्टरों की एक पाँच डॉक्टर्स की एक टीम बनाई गई है जो कि बारी बारी से उनका पोस्टमार्टम करेगी। तैयारी यहाँ लगभग पूरी हो चुकी है और सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ाम है और फिलहाल अगर मैं रोड के उस तरफ की बात करूं तो वहां भी किसी भी गाड़ी को, किसी भी बस को या टैक्सी वाले को रुकने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उस रास्ते से ही एम्बुलेंस को आना है। किसी भी खाली इंसान को यहां पर आसपास खड़े होने की परमिशन नहीं है। सिक्योरिटी ऐसे है कि आसपास कोई भी गाड़ी रुकने की परमिशन नहीं है और कहा यह जा रहा है कि अब से कुछ ही देर में किसी भी वक्त यहाँ पर डेड बॉडीज़ पहुँच सकती हैं। 5 डॉक्टरों की एक टीम होगी मनीष, जो कि बारी बारी से सभी का पोस्टमार्टम करेगी। 8 बजे का पोस्टमार्टम का, लेकिन जो आप बता रहे हैं वक्त उसके मुताबिक 8:30 बजे के आसपास पोस्टमार्टम शुरू होगा। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है पोस्टमार्टम में कितना वक्त लगेगा और लगभग कितने बजे चारों दोषियों के जो शव हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे? क्या इसको लेकर कोई बात सामने आ पाई है, परिजनों की तरफ से शव मांगे गए हैं या फिर जेल प्रशासन को ही दोबारा से पोस्टमार्टम के बाद शव सौंपे जाएंगे? क्योंकि जेल प्रशासन भी अंतिम संस्कार करता है मजहब के मुताबिक, जो जेल मैनुअल कहता है। देखिए, जेल मैनुअल के हिसाब से ही पहले यहाँ पर पोस्टमार्टम होगा, बॉडीज वापस से जेल प्रशासन को दी जाएंगी, फिर जेल प्रशासन घर वालों से पूछेगा कि आप डेड बॉडी चाहिए या फिर नहीं चाहिए। इसके बाद इसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी देखी जाएगी, भले ही घर वाले डेड बॉडी मांग रहे हो लेकिन उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार अगर घर वाले करते हैं तो क्या उस जगह पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो क्रिएट नहीं होगी? अगर सब कुछ ठीक रहता है तभी घर वालों की डिमांड पर ही डेड बॉडी उनको सौंपी जाएगी। अगर किसी भी हालत में घर वाले डेड बॉडी लेने से इनकार कर देते हैं तो उसके बाद जेल प्रशासन अपनी ही जगह पर डेड बॉडीज को उनके धर्म के अनुसार क्रियाकर्म कर सकता है। हालांकि अभी डेड बॉडीज घर वालों को दी जाएगी या नहीं दी जाएगी इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कहा यह जा रहा है कि एक बार जब पोस्टमार्टम हो जाएगा उसके बाद जेल प्रशासन घर वालों को अप्रोच करेगा। जी, आप नजर बनाए रखिएगा मनीष।